अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन घर पर ही। इसको हम घर पर बहुत आराम और अच्छे से बना सकते हैं। ये बिल्कुल केएफसी जैसा टेस्ट आएगा और बहुत केएफसी में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और ये कम बजट में ही घर पे बन जाएगा। चलिए इसके लिए हम पहले मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। दही थोड़ा हमने यहाँ पर थिक लिया है। फिर हम दही में कुछ मसाले ऐड करेंगे। पहले तो हम उसमें डालेंगे ऑरिगेनो। ये पिज़्ज़ा ऑरिगेनो लिया है हमने, आप कोई भी ऑरिगेनो ले सकते हैं। इसको हाफ टी स्पून यानी आधा चम्मच डाल लिया है दही में। अगर आप ऑरिगेनो नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर हमने उसमें डाल दिया दो अंडे, मगर ऑरिगेनो डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। फिर हम उसमें डालेंगे आधा टी स्पून सौंफ। सौंफ ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है उसका टेस्ट और स्मेल तो आप उसको निकाल सकते हैं। फिर हमने उसमें डाल दिया आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट और आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसका टेस्ट नेचुरली कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमें कोई कलरिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसमें डाल दिया पाव चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें डाल दिया आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी बीटर या फिर एक फोक लेकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। फिर हमने उसमें डाल दिया आधा किलो चिकन। अगर आप चाहें, अगर आपको बोनलेस चाहिए तो सिर्फ बोनलेस के स्ट्राइप्स काट लें या फिर पॉपकॉर्न के शेप के काट लें। इसका सेम ही मैरिनेशन है। हमने यहाँ पर बोन्स पीसेस लिए हैं, थोड़े बड़े भी ले सकते हैं आप, इससे भी बड़े वाले। सारे पीसेस को हम इस मैरिनेट के मिक्सचर में डालकर रख देंगे 2 से 3 घंटों तक। आप मैक्सिमम जितना हो सके उतना रखें ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से जाए। में निकाल लिया। दूसरी तरफ हम इसका कोटिंग मिक्सचर बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप कॉर्नफ्लोर। ये 1:2, ये हाफ रेशियो ही होना चाहिए। फिर हम उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून कुटे हुए लाल मिर्च यानी चिल्ली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर अभी हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही लिया है ताकि नेचुरली इसका कलर अच्छे से आए। और हम इसमें डाल देंगे अभी आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कर लें। सारी चीज़ों को हम ऐसे ही ड्राई अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने तेल रखा है गरम होने के लिए। उसको हम एक कोई भी स्टिक या फिर कोई भी एक बारीक लकड़ी की मदद से हम चेक कर लेंगे कि तेल बराबर से गर्म हुआ है या नहीं। चलिए हम इसको अब कोटिंग करते हैं मैरिनेटेड चिकन को। चिकन की पीस को हमने पहले तो मैदा के फ्लोर यानी कोटिंग फ्लोर में डालकर इसको अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से थोड़ा प्रेस करके आटा कोट कर लें। फिर हम इसको डालेंगे जो अंडों वाला मिक्सचर था जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, उस मिक्सचर में हम डुबो लेंगे इसको अच्छे से। फिर वापस हम इसको डालेंगे आटे वाले मिक्सचर में कोटिंग के लिए। ये अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसको निकाल कर तेल में डाल देंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम ठीक होना चाहिए, वरना इसका जो टेक्सचर आता है वो नहीं आएगा। इसके लिए हमने पहले ही एक काढ़ी डालकर उसमें चेक कर लिया था। देखिए हमने सारे चिकन के पीसेस को इसी तरह से कोटिंग करके फ्राई कर लेना है।
एक तरफ एक एक साइड हम 10-10 मिनट तक धीमी मीडियम से धीमी आंच पर ही पकने देंगे। इसको हम बार बार उल्टेंगे पलटेंगे नहीं, एक तरफ ये पक जाए तो हम तब हम इसको दूसरी तरफ पलटाएंगे। और हम इसको जब तक तलेंगे तब तक के गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ये 8 से 10 मिनट तक हो जाएगा। देखिए एकदम ये क्रिस्पी और गोल्डन हो गए हैं, तब हमने इनको निकाल लिया बाहर। एकदम बढ़िया से गर्मा गर्म क्रिस्पी और स्पाइसी KFC के टेस्ट वाले फ्राइड चिकन तैयार हैं। आप इसको होममेड मेयोनीज या फिर टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेयोनीज और टोमेटो केचप की रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। इसको गर्मा गर्म एकदम फ्रेश सर्व करें और ख़ुद भी इसका मज़ा लें। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।